अरे जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। नजर ना लगे किसी की, अरे तुझे नजर ना लगे किसी की तो जियो हजारों साल। तुझे नजर ना लगे किसी की जियो हजारों साल। एक तू ही मंजला जी गाना सुनना। अब जिन कलाकारों को यही पता नहीं रहता कि हम कौन हैं, कह रहे थे मुन्नी मैं कुछ भी हो, गलत है तो गलत है, सही है सही है, ये तो बात सही है। उसको आप कितना भी उस पर लीपा पोती करो लेकिन वो सही नहीं होने वाला, सही है, गलत है तो गलत है। हाँ, भोज पे कभी लिप नहीं सकता। गाना सुनिएगा मेरी ओर से। और गाने में आदरणीय मंचला जी, गाने में मैं आपको दो संतों का मिलन बता रही हूँ, दो संतों का मिलन। और क्या, कीर्तन में ऐसा ही मिलन होना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज में जब लंका पहुंच गए, लंका जो राक्षसों की नगरी है, असुरों की नगरी है, और राक्षसों की नगरी में जब हनुमान जी के कानों में राम 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 सुनाई दिया तो हनुमान जी महाराज आश्चर्य में पड़ गए। और देखिए जब पहुंचे विभीषण जी की कुटिया के सामने तो कह क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं के राम नाम का सुमिरन सुन के हर्षित है हनुमान। राक्षसों की नगरी में पहुंचे, वहां जाने के बाद तो राम नाम का सुमिरन सुन के हर्षित है हनुमान। और ऐसा सोचने लगे एक हंस पगलों के मध्य में लगा रहे हनुमान। ऐसा लगता है कि एक हंस बगलों के मध्य में घिरा हुआ है। हट करके पहचान करेंगे, हनुमान जी सोच रहे हैं, हट करके पहचान करेंगे सोच रहे श्रीमान। और सदा संत करते हैं जगत में हर मुश्किल आसान।
और जब विभीषण जी की कुटिया के द्वार पे पहुंचे तो वहां का नजारा देख करके बोले क्या कि रामायुध दीवार पे अंकित हो, रामायुध दीवार पे अंकित शोभा वर्णी न जाई। लाइन सुनना भैया, तो रामायुध दीवार पे अंकित और तुलसी द्वार की शान, रामायुध दीवार पे अंकित तुलसी द्वार की शान, और देख के कहा एक यही साधु है सच्चा बाकी सब शैतान, यही साधु सच्चा है बाकी सब शैतान, बाकी सब शैताने शैतान है। और क्या, पहले लाइन समझ लेना, तो एक यही साधु है सच्चा बाकी उस बात को दूसरे संत स्वीकार कर रहे हैं। कैसे? कैसे? उन्होंने कहा एक हंस बगलों के मध्य में फंसा हुआ ऐसा लग रहा है विभीषण जी को देख के। तो विभीषण जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कैसे? कैसे? बोले क्योंकि चौपाई कह रही है के राम नाम तई सुमिरन कीन्हा और हर्ष हृदय कपि सज्जन चीन्हा। बिल्कुल सही। और जब चीन लिया एक दूसरे में परिचय हो गया तो विभीषण जी ने स्वीकार कैसे किया? बोले हे संत महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं श्रीलंका नगरी में रहता जरूर हूँ लेकिन ऐसे रहता हूँ जैसे जैसे के रामदास बन हम लंका में ऐसे करें निवास। कैसे? कैसे? रामदास बन हम लंका में ऐसे करें निवास, ऐसे निवास करते हैं जैसे बत्तीस दांतों, जैसे बत्तीस दांतों के बीच में जीव रहा करती है। भाई साहब, बत्तीस दांतों मध्य जो रसना मुख में करती वास, और राम नाम के रक्षा कवच में है दृढ़ विश्वास। तो हनुमान जी फिर बोले, फिर बोले कि आपको देख के ऐसा लग रहा है, हे विभीषण जी आपको देख के ऐसा लग रहा है कि पाप के दलदल में ये पुण्य का, पाप के दलदल में ये पुण्य का अरे पुष्प खिला श्रीमान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पाप के दलदल में ये पुण्य का पुष्प खिला श्रीमान। तो बस अरे एक यही साधु है सच्चा बाकी सब और कही हनुमान जी को देख के बोले प्रभु आज आपके दर्शन हुए उसका भी एक कारण है। कारण है उसका कारण क्या है? तुलसीदास बाबा चौपाई लिख रहे हैं कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक संतों का
मिलन नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा लगता है शायद उस परमात्मा की कृपा मुझ पर हो गई है, तभी तो आज आपके दर्शन हो रहे हैं। और क्या, विभीषण जी बोले, दीन बंधु वो दीनानाथ मुझ दीन की सुने पुकार। और विभीषण जी बोले, हुआ भरोसा है बजरंगी दर्शन मिला तुम्हार। अब मोई भा भरोसा हनुमंता, हुआ भरोसा है बजरंगी दर्शन मिला तुम्हार, तो आज ब्रह्म बेला के शुभ पल स्वप्न करें साकार। सवेरे के समय आज मैंने सपना देखा था, ऐसा होने वाला है। और क्या, तो आज वो सपना सच हो गया। इसीलिए लोग कहते हैं कि सवेरे का देखा हुआ सपना अक्सर सच्चा हो जाता है। तो पंक्ति कह रही है, क्या कह रही है, माँ के दर्शन की है लालसा, माँ के दर्शन की है लालसा, अरे राह हुई आसान। आखिरी बात सुनिए, अंतिम बात मंजला जी, लेकिन मेरे गाने में भी एक सवाल छुपा हुआ है। मैं कोई बात छुपाती नहीं हूँ, गाने में एक सवाल लगा हुआ है। हनुमान जी देख रहे हैं कि रामायुध दीवार पे अंकित, दीवार पे राम का आयुध यानी धनुष का चिन्ह बना हुआ है, तो हनुमान जी को ये कैसे पता चला कि ये राम का ही धनुष है? क्योंकि आयुध धनुष तो रावण का भी आयुध था, धनुष आयुध तो परशुराम जी का भी था, तो फिर हनुमान जी को ये कैसे विश्वास हुआ कि राम के धनुष का ही चित्र बना हुआ है? थोड़ा विचार करिएगा, समझिए बात को। अंतिम बात सुनिए आप, पता बता दिया विभीषण जी ने कि सीता मैया लंका में नहीं है, वो तो अशोक वाटिका में है। हनुमान जी पहुंचे तो एक एक बात समझाते हैं आप। दो संतों का मधुर मिलन ये दोनों मन हर्षाए। दर्शन हो गए माता के, विभीषण जी जब राम जी की शरण में चले गए, तो राम दर्श कर दास विभीषण गए लंकेश बनाए। बहुत बढ़िया, वो लंका के राजा बना दिए गए। कीर्तन ऐसे होना चाहिए। तो पंक्ति कह रही है मंजना जी, अरे बसा द्विवेदी ही मैं राम को, जय हो, क्या बात है, बसा द्विवेदी ही मैं राम को तो राखी करे गुणगान। बहुत बढ़िया गुणगान करती हो। बसा द्विवेदी ही मैं राम को राखी करे गुणगान, एक यही साधु है सच्चा, बाकी सब मत से काम लो, दाता का नाम लो। ज्ञान पावड़े
इसमें भी चैलेंज कर दिया। बोले इसमें भी चैलेंज है, गुरु जी के गाने में एकदम चैलेंज दिए जा रहे हैं। और जिस रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। वो हीरा बन जाए, तुझे नजर ना लगे किसी की, तुझे नजर ना लगे किसी की, और जिए हजारों साल, एक तू ही धनवान है कोई, बाकी सब चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब विचित्र बात लगाई गई है। विचित्र बात लगी है, दो संतों का मिलन करवा रही है आप, और उसमें बात लगाई, अरे राम नाम का सुमरण सुनकर हर्षित है हनुमान, और एक हंस बगिलों जो लगा रहे अनुमान, हट करके पहचान करेंगे सो रहे, हट करके पहचान करेंगे, अरे सो, अरे देखो ये श्रीमान, संत सदा करते जगत में हर मुश्किल आसान, तो रामायुध दीवार में अंकित और तुलसी तुलसी द्वार की सा, तो अरे एक यही साधु है, अरे एक यही साधु है सच्चा, बाकी सब शैतान। गुरु जी की लाइन है, तिवारी जी और राजू राजा, गुरु जी की लाइन है, इसलिए नहीं काट रहा हूं, वरना ये लाइन गलत है, गलत पूछ लेना फोन लगा के गुरु जी से कि जेपी मंचला कह रहा है ये लाइन गलत है, और इस गलत लाइन को सिद्ध कर दूंगा। आप कह रही हो एक तू ही साधु है सच्चा, बाकी सब शैतान। अच्छा, केवल एक ही साधु है, बाकी सब शैतान, तो ये कौन है, ये कौन है? चौपाई पढ़े दे रहा हूं, समझ जाएंगे। अरे राक्षसी का और राम चरण रति निपुण विवेका, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये हीरोइन है। अगर वो साधु है तो फिर ये कौन है? राम चरण रति निपुण विवेका, सभन बोल सुना इस सपना,
कि सीता से ही सीता की सेवा करो, सीता से ही करहु हित अपना। सीता की सेवा करो, करो अपना हित। ये कौन है? इसी में हित है सबका। ये कौन है? तो मेरी लाइन कह रही है, अरे श्री राम के चरणों का करती देखो नित ध्यान। जीवन का करती है कल्याण। दुष्ट तन जो के बीच में शक्ति देखो एक महान। दर्जों के बीच में ये भी शक्तिमान है, क्योंकि जो भक्त होता है वो सख्त होता है, और भक्त में शक्ति तो अपने आप होती है। इसलिए अरे ये है प्रभु की भक्ति, वहां पर हुआ सिया को भान। अरे ये भी राम की भक्त है, सीता भी माता कहती थी उसको, सीता भी राम की धर्म पत्नी यानी राम की भक्त, और त्रिजटा भी राम की भक्त, जो विभीषण की पुत्री थी वो त्रिजटा भी राम की भक्त, और सीता तो राम की पत्नी थी राम की भक्त। आप उधर दो भक्तों को मिला रहे हैं, दो संतों को मिला रहे हैं, तो मैं यहाँ दो शक्तियों को मिला रहा हूँ। यह चैलेंज, मैं यहाँ दो शक्तियों को मिला रहा हूँ। लाइन कह रही है, अरे जिसके उर में प्रभु की छवि है, दृष्टा के जिसके उर में प्रभु की छवि है, अरे है विवेक और ज्ञान। और जब ये बात सीता की समझ में आ गई तो माता सीता कहती है कि ऐ त्रिजटा, एक यही साधु भी है सच्ची। अगर उधर साधु है सच्चा तो उसी साधु की पुत्री है त्रिजटा, तो एक यही साधु भी है सच्ची, और बाकी सब सैता। और एक यही साधु भी है सच्ची, बाकी सब। अगर वो साधु है तो ये साधवी है, क्योंकि मानस प्रमाणित कर रही है त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेक। रामचरितमानस सिद्ध करती है तो जेपी मंचला तुमसे सिद्ध कर रहा है, और तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार कर रहा है। एक तू ही साधु भी है सच्ची, ये बाकी सब से इसलिए साध्वी है। ओ कैसी है तभी ये चैलेंज किसी जंगू मंगू मंडल को दिया करो, पूरा ये कहीं और किया करो, पूरा मंडल सन्न हो गया। ये चैलेंज पहले हमारे सामने ना किया करो। सुनो ज्ञान पाड़े, उसी गुरुवर की शिष्य आप हो और उसी गुरु का शिष्य मैं हूँ, लेकिन अभी तुमको दो ही महीना हुए हैं, मुझे कई साल हो गए, ये अंतर है तुम में और हम में। ज्ञान पाड़े जी अच्छा बोल नहीं सकते तो अच्छा हंसी लिया करो। अब सुनिए, वो साध्वी जिसने एक सपना देखा और वो सपना सत्य हुआ,
अगर वो साधनी ना होती, राम चरणों का ध्यान ना करती होती, तो झुक झुक लोग कहते कि सपने कभी सत्य नहीं होते, सपने कभी सत्य नहीं होते। लेकिन उस साध्वी दृष्टा ने जो सपना देखा वो सबसे बताया भी, और वो सपना सत्य भी हुआ, इसलिए वो साध्वी थी, साधनी थी। परमात्मा उसी के हृदय में बैठता है, परमात्मा उसी के जिभ्या से सत्य बोलवाता है, परमात्मा उसी को दिखाता है जो सच्चे श्रद्धा और विश्वास से उसके चरणों में चित्त लगाता हो। समझी राखी जी, ये जेपी बन चला है, इतने हल्के में ना जाओ, उनका पूरा मंडल सो गया है। और सुनो, अरे सपने बानर लंका जारी, अरे सपने बानर लंका जारी, वो त्रिजटा सबसे करे पखान, सब सखियों को बुला करके कह रही है सभी राक्षसियों को कि सबन बोल सुना इस सपना और सीता से ही करो हित अपना। तो सुनो, अरे सपने बानर लंका जारी, सबसे अरे सबसे करे बखान, सीता की सेवा जो करे बच जाएंगे प्राण, सीता की सेवा जो करेगा उसके बच जाएंगे प्राण, और अरे वरना लंका हो जाएगी देखना समसान, वरना लंका हो जाएगी देखना समसान, और सिया के पिया हमको दे देंगे अभय वरदान, भारी हो गया, और सिया के पिया हमको दे दे, झेल पाऊंगा तो मैं झेल पाऊंगा, जेपी बंचला झेल पाएगा, और एक गीत दे दूंगा अगर जवाब दे दो तो राखी आजाद मान जाऊंगा। गाना गुरुजी का तो किसी को भी चैलेंज दे लो, समझो, सुनो, बना बने रघुवर रूपनी, बनी वाकी और सो की कृपा राम पर सिया पर उमा की, बस बस बस। अब गुरुवर की लाइन है, गुरुवर की लाइन है, इसीलिए छोड़े दे रहे हैं। सो पर सो की कृपा राम पर सीता पर नहीं है, और उमा की कृपा सीता पर है राम पर नहीं है ना। अब गुरुवर की लाइन है इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं, अगर ये गीत किसी और ने लिखा होता तो टुकड़े टुकड़े कर देता, दोबारा कहीं गाने लायक नहीं रहते। सुनो, एक देश लाई आप, अब उस देश में अक्षर है तीन, नेपाल, नेपाल पर ये संपुट कहां से लगा दिया, की अच्छा तो तीन है, आपने कहा हित के है रघुवर तो नेपाल की सिया,
अब की जरूरत ही नहीं है। जब नेपाल एक देश लगा रही है आप, तो की का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से किया गया मुझे पता है। और घोड़ा चढ़े रघुवर चढ़ी ने काट दिया तो पाल की सिया। पालकी सिया। अब कह रही है हमने देश लगाया है तो पर यहाँ की क्यों लगा रही हो? केवल उसी को चलने दो नेपाल को। अब घोड़ा चढ़े रघुवर चढ़ी पालकी सिया, लाखों में एक रघुवर है लकी सिया। अब लाखों भर लेती यहाँ की काहे को बेड़ दिया? हाँ, की के पाछे काहे पड़े हो? मैं गलत कह रहा हूं, तीन शब्द हैं नेपाल, तो नेपाल को सिद्ध करती। अब की बेड़ दी लकी। ज्ञान पाड़े कुछ ज्ञान दे रहे हैं। सिया के बने हैं रघुवर है पिया की सिया। तिवारी जी, बहुत बड़ा चैलेंज है, सत्य कह रहा हूं। ये गुरुवर का लिखा हुआ गणदेश है, इसको साधारण मत मानिए। लेकिन चैलेंज इनने दिया है, एक शिष्य ने एक शिष्य को दिया है, तो शिष्य चैलेंज स्वीकार करता। तुमने लगाया है नेपाल, विदेश को लगाया है, तो जेपी मंचला भी विदेश लगाएगा। तीन अक्षर तुमने लिए हैं, तीन अक्षर का नेपाल है, तो तीन अक्षर का विदेश लगा के दिखाऊंगा, तब जेपी मंचला। ऐसा चैलेंज स्वीकार करते हम लोग। की नहीं लगाऊंगा, ना मैं लगाऊंगा, ना की लगाऊंगा, ना का लगाऊंगा, ना वह लगाऊंगा, ना सा लगाऊंगा, कुछ नहीं लगाऊंगा। सिर्फ तीन अक्षर का विदेश लेकर के आ रहा हूँ। सुनिए, बन के बन में रघुवर गए, आपने बहुत लोगों से गाया होगा, लेकिन आज के बाद ये कटपीस की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन आज के बाद इस कटपीस को बंद करके रख देना, क्योंकि जो जवाब दे रहा हूं अब लोग दिया करेंगे। जिससे जिनसे तुमने ये कटपीस गाया है उनने सोचा ही नहीं है कि इसका जवाब क्या होगा। ये मानो आज सुनो, बन के बन में रघुवर गए साथ सिया माँ है। अरे बन के बन में रघुवर गए, बन के बलकल भेष धारण करके, बन के बन में रघुवर गए, अरे साथ सिया माँ है, साथ देने कपि के तन में। अब तुम कह रही थी कि शिव की कृपा राम पर है और उमा की कृपा सीता पर है, लेकिन मेरा कहना है कि वो ऐसा रूप लेकर के आए, ऐसा रूप लेकर के आए कि दोनों एक शरीर में है, दोनों के ऊपर बराबर कृपा है। समझो, दोनों के ऊपर बराबर कृपा है, दोनों के ऊपर। अरे साथ देने कपि के तन में शिव और उमा है। हनुमान जी रुद्र देह तजने है, बस हरते भय हनुमान। शंकर जी हनुमान बने तो माता पार्वती उनकी पूछ बनी, एक ही शरीर में दोनों, पार्वती भी और शिव जी भी। मेरे वो अलग अलग कृपा थी, अलग अलग कृपा थी। अरे एक साथ में आए और कृपा करने नहीं आए, सेवा करने आए, सेवक बन के आए, सेवक बन के आए, हनुमान बन के आए। तो अब हिंद से आपने प्रारंभ किया, लाइन का जवाब दूंगा।
हिंद और विदेश आपने लिया है, आपने लगाया है कि हिंद की है रघुवर तो नेपाल की सिया। अब मैं की पी नहीं लगाऊंगा, आप कह रहे थी लोग तर्क देने लगते हैं कि वो नेपाल नहीं था, वो मिथिला नगरी थी, मिथिला राजधानी थी, जनकपुरी थी। तो कह रही है अब हम कलयुग में हैं, इसलिए वो नेपाल है। अगर वो मिथिला नेपाल है तो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अरे हिंदू में है रघुबर श्रीलंका सिया। जब रावण हर हरण करके ले गया, कहां ले गया, कहां ले गया, लंका में, जो आज श्रीलंका है। पहले लंका थी, जिस तरह पहले मिथिला थी, आज जनक आज नेपाल है, उसी तरह पहले वो लंका थी, आज श्रीलंका। तीन अक्षर नेपाल में तो तीन अक्षर श्रीलंका में, वो भी विदेश और ये भी विदेश। अब सुनो बिटिया, सुना कि हिंदू में है, अरे हिंदू में है रघुवर, यानी बन में, हिंद के बन में, हिंदू में है रघुवर श्री लंका सिया। और करुणा करते बन में राम, करुणा करते बन में राम, करुणा करते हिंदू में राम तो लंका सिया। यानी अगर हिंद में भगवान सीता के वियोग में करुणा कर रहे हैं तो वो लंका में करुणा कर रही हैं। और श्री हटा दीजिए, श्री मैंने हटा दी, एक अक्षर हटा दिया, और करुणा करते बन मेरा लंका सिया। अब ला हटा दीजिए, पहले श्री हटाई तो लंका बची, अब ला हटा दीजिए तो का बचेगा, का बचेगा, का बचेगा, तो राम बन में है यहां करे का सिया। राम बन में है यहां पर करे का करे का सिया। श्री हट गई, फिर लंका हट, ला हट गया, फिर आ गया का करे कासिया। तो फिर करे कासिया, सिया में है राम और राम में सिया, सिया में है राम और राम में सिया, सिया में है राम और राम में सिया। आपके उस विदेश का जवाब, विदेश से तीन अक्षर उधर नेपाल, इधर से मिल गया श्रीलंका, उधर हिंद में राम, लंका में सिया, तीनों अक्षरों को अलग अलग करके तोड़ते हुए बताया। और शायद आज तक आपने ऐसा जवाब कहीं नहीं दिया हो, सुना होगा, दिया होगा लोगों ने जो दिया होगा, लेकिन विदेश का जवाब विदेश से नहीं दिया होगा। आइए एक गीत और आप दे गई है, सुनिए।